हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी क्लास 10th। और जो प्रीवियसली हमने समझा है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा। अब इस लेक्चर में हम उसके लिए कुछ एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानी जाती है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। Exercise 4.1, class 10. Now, question 1 is, check whether the following are quadratic equation. हमें केवल चेक करके बताना है कि ये जो equations है, ये quadratic equation है या नहीं है। तो question number 1, first part, that is x plus 1 whole square is equals to 2x minus 3. Expand करते हैं, यहाँ identity apply होगी, a plus b whole square. A plus B whole square is A square plus 2AB plus B square. A square plus 2 into A into B plus B square. यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये identity हमारे बहुत ज़्यादा used to class 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। Is equals to 2 का हमने inside multiply किया, bracket open किया, 2x minus 6. और आगे सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 2x 2 इनटू x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करना है, तो ऐसा कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे अगर हमें कंपेयर करना है तो इक्वल में 0 चाहिए, तो सारी क्वांटिटी यहां जो है वो हमें इस साइड लेकर आनी होगी। x square plus 2x plus 1 minus 2x plus 6 is equals to 0. ये minus हो जाएगा, plus हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 2x से यहाँ 2x cancel हो रहा है, या 2x minus 2x 0. That is x square 1 plus 6 7 is equals to 0. अब आप देखिए कि ये और ये क्या equal है, और हमने जो पहले condition देखी थी क्या वो सही थी। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर coefficient के पर, which is not equals to 0, मतलब first condition हमने पढ़ी थी कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो yes this right, a यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारी पहली condition true हो गई। ax square bx, तो हमने बोला था कि b और c कोई भी real numbers हो सकते हैं, तो यहाँ b की value नहीं है, मतलब b की value हम 0 consider कर सकते हैं, and c की value already 7 है, both are real numbers and a is also not equals to 0, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि यहाँ बी की वैल्यू नहीं है सर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एग्जिस्टेंस है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक और, दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट के लिए ही कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट का, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगेन माइनस का फॉर्मूला हमने एक्सपांड करना है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व किया आगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। हमें अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को अरेंज करना है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी क्वांटिटी में यहां लेकर आ गया, x स्क्वायर माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब आप देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3x एंड 4x 7x प्लस 4, देखिए 4 माइनस का है प्लस का 1 है तो माइनस 3 रिमेनिंग होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट? नहीं है सर। व्हाई? बिकॉज x स्क्वायर का एग्जिस्टेंस यहां नहीं है,
एक्स स्क्वायर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले सर वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और वहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए की वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आया होगा और उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।